ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ ਹੋ ਕਿਚਰ ਛੱਤ ਲੰਘਾਈ ਐ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੈ ਮੈਂ ਹੋ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੈ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਐ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੂੰਡੇ ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਐ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸੈਕੂ ਹਾਥੀਓਂ ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਐ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸੈਕੂ ਹਾਥੀਓਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਤ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਆ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰਜ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰਜ ਹੈ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰਜ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਦੀ ਤੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਰਜਾਊ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਗਰਜਾਊ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਗਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਗਰਜ ਹੈ ਲੋਭ ਹੈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ
ते गऊ तुहाडे मगर मगर तुरी आएगी। हाथ विच चारा नजर नहीं आएगा ते गऊ तुहाडे मगर चलना बंद कर देगी। इस तरह ही समझ लो कि हाथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ा लेके चल रहे हो, कुत्ता तुहाडे मगर मगर तुरिया रहेगा। तुहाडे हाथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ा नहीं है ते कुत्ता भी तुहाडे मगर नहीं है। किसी दूसरे दे हाथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ नजर आया है तो कुत्ता दूसरे दे मगर चल पेगा। मगर मगर चल रहे हैं परमात्मा दे, पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सानू गर्ज दा चारा, गर्ज दा टुकड़ा परमात्मा दे हाथ विच नजर आ रहा है, परमात्मा दे रहा है। फिर यह सोच कोई बहुत चंगी बहुत वधिया सोच नहीं है, यह बहुत उची ते महान सोच नहीं है, यह व्यापारी वाली सोच है। व्यापारी वाली सोच, व्यापारी का सुभाव होता है सौदा एक दुकान तो नहीं मिलिया, चलो दूसरी दुकान ते जाके खोज बीन करने हैं, शायद उथो मिल जाए। दूसरी दुकान तो सौदा नहीं मिलिया ते चलो तीसरी दुकान तो जाके वेखने हैं, सौदा उथो मिल जाए। जिथों व्यापारी नूं सौदा मिलना बंद हो जाए, व्यापारी उस दुकान दे उत्ते जाना बंद कर देंदा है। की लैन जाना है जद कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरी मतलब दा समान जद इस स्टोर तो मिलदा ही नहीं है, दुकान तो मिलदा ही नहीं है, तो फिर मैं इस जगह दे उत्ते जावां भी क्यों? खिमा चाहवांगा, बहुत सारिया लोगों नूं मैं इस तरह का जीवन गुजारदिया वेख्या है। मंदिर विच नतमस्तक होंदे ने, गर्ज पूरी नहीं हुई, मस्जिद विच चले जांदे ने। मस्जिद विच जाके चार दिन नमाज अदा करदे ने, गर्ज पूरी नहीं हुई, गुरुद्वारे आ जांदे ने। गुरुद्वारे आण के चार दिन बह के सुनदे सुनाउंदे ने, समा लग गया है, अजे कर्मा दी पिक्चर नूं परमात्मा ने वेख्या है। ये दात तेरी चोली विच पैनी नहीं है, पैनी है ते देर दे नाल पैनी है। इथे आउंदिया चार दिन बीत गए ने, गरज पूरी नहीं हुई, तो होर थां थां दे उत्ते पटकना शुरू कर देंदा है। मैं इथे जाके वेखा, मैं उथे जाके वेखा, मैं उथे जाके वेखा, शायद किधरों गरज पूरी हो जाए। जिथों गरज पूरी हो जाए ओही इहदा परमात्मा है, ओही इहदा गुरु है। हकीकत विच जो गुरु ने ओहदी समझ नहीं है, हकीकत विच जो परमात्मा है ओहदी समझ नहीं है। फिर बेनती नूं दोहरा दिया, इत्ते इस तरह दे साडा जुड़ना है कि जिवें गऊ साडे हाथ विच हरे रंग दा चारा वेख के साडे मगर आ रही है, कुत्ता हाथ विच रोटी वेख के मगर मगर चलदा है, असीं गुरु कोलों दातां वेख के मगर मगर चल रहे हैं। गुरु धन दे रहा है, गुरु परिवार दे रहा है, गुरु तंदुरुस्ती दे रहा है, मगर मगर चल रहे हैं। जिस दिन गुरु कहन कि अजे समा नहीं आया, तेनू दात मिलेगी मिलेगी थोड़ी चरोकनी देर बाद, असी गुरु दा दर छड़ देंगे। और मैं एक होर भी बेनती करदा चला, मन लो कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी इस तरह कह देन कि सजनो एक महीने वास्ते तुहानू कोई दात मिलेगी नहीं। कहिंदे नहीं है गुरु दा दर 24 घंटे खुला है, छिन छिन खुला है। मैं केवल उदाहरण बना के तुहाडे सामने अर्ज कर रहा। मन लो कि सतगुरु कह देन कि एक महीने वास्ते तुसी आउंदे रहो, सुनदे रहो, सेवा करदे रहो, पर दात नहीं मिलेगी। दात मिलेगी एक महीने दे बाद। मैनू एवें लगदा है चंद कु मनुख ही रह जाणगे जो आउण वाले रहणगे, बाकी नहीं आउणगे। जद दात नहीं मिलनी, महीने बाद मिलनी है, ते फिर तेरा दरवाजा भी महीने बाद ही खड़कावांगे, तेनू नमस्कार भी महीने बाद ही करांगे। अज क्यों करी है? अज ते तू देना कुछ नहीं, तेरा ही ऐलान है अज मैं देना कुछ नहीं। तो अज देना नहीं ते अज फिर नमस्कार क्यों? अज देना नहीं ते अज तेरे दर ते आईए क्यों? जिस दिन देना शुरू करेगा साडा आउना शुरू होएगा, तो देना बंद कर देगा साडा आउना बंद हो जाएगा। परमात्मा दे नाल प्यार जो साडा बनिया है वो कोई बहुत उच्च क्वालिटी का प्रेम नहीं है। प्रेम दे अंदर शर्त नहीं होंदी, बड़े ध्यान नाल समझ लेना, प्रेम दे अंदर शर्त नहीं होंदी। और जो शर्तां दे आधार दे उत्ते चलदा है वो प्रेम नहीं होंदा। अगर पति ते पत्नी शर्तां दे आधार ते चल रहे ने,
रोटी तू पकानी है, भांडे मैं साफ करने ने, इस तरह मैं करना है, उस तरह तू करना है। ये प्रेम नहीं है, ये ते एग्रीमेंटेड लाइफ है। एक दूसरे दे नाल इकरारनामा कर लिया, तू इस तरह करना है, मैं इस तरह करना है। इकरारनामा टूटिया है तो परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम दे अंदर एक दूसरे तू कुर्बान होना होता है। प्रेम दे अंदर अपना आपा लुटाउना होता है। प्रेम दे अंदर शर्त नहीं होती। अक्सर पंजाबी दे बुजुर्ग वार पुराने बुजुर्ग कह देंदे ने प्रेम दे अगे नेम नहीं होंदे। अगर कोई नेम है, कोई शर्त है, तो खिमा चाहूंगा फिर प्रेम नहीं है, केवल तेरा इकरारनामा है, तेरा एग्रीमेंट है। एक मैं होर भी बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला, दुनिया का सारा ही संबंध खड़ा है लैन दे उते ते देन दे उते। सारी दुनिया का संबंध इस तरह ही खड़ा है। सब तो पहला अपने शरीर वल वेखिए, असी सह बार कढ रहे हैं तां ही दूसरा सह अंदर जा रहा है। अगर बार कढ़ना बंद कर दईए अंदर जाना बंद हो जाएगा। अगर अंदर लजाना बंद कर दईए तो जीवन की लीला खत्म हो जाएगी।